जनता के बीच लोकप्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया के 24 विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ने के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र सलूजा ने भी कांग्रेस से किनारा कर लिया है। पूर्व सीएम और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के मीडिया कोऑर्डिनेटर सलूजा को सीएम शिवराज ने बीजेपी की सदस्यता दिलाई। बीजेपी में जाने की वजह भी सलूजा ने कमलनाथ को बताया है। उन्होंने सिख दंगों में आरोपी कमलनाथ को सख्त सजा दिए जाने की मांग की। सलूजा ने कहा कि सीएम शिवराज के नेतृत्व से प्रभावित होकर वे बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। आदरणीय शिवराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो मेरे जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने अपनी पार्टी में स्थान दिया है। और पूरी उम्मीद और विश्वास दिलाता हूँ कि जिस ईमानदारी से मैंने आगे पूर्व में भी राजनीति में काम किया है, उसी ईमानदारी के साथ आपके नेतृत्व में काम करता रहूंगा, यही आपको। भाजपा में नरेंद्र सलूजा का स्वागत करते हुए सीएम शिवराज ने सलूजा की सराहना की। उन्हें अपने तर्कों के आधार पर अपनी बात रखने वाला नेता बताते हुए कहा कि वे परिश्रम पूर्वक पार्टी का कार्य करें और देश के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान दें। पार्टी के परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, उनके आने से भारतीय जनता पार्टी को मजबूती मिलेगी, बहुत बल मिलेगा और एक ऐसा नेता जो अपने तर्कों के और तथ्यों के आधार पर अपनी बात रखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास होंगे। बीजेपी का नारा भले ही कांग्रेस मुक्त भारत का हो, लेकिन कांग्रेस खुद अपनी लचर नीतियों के चलते अपने नेताओं को खोती जा रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सीएम शिवराज ने कांग्रेस को जो झटका दिया है, उससे कांग्रेस बैकफुट पर है।